बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के आज के लेक्चर के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास किस तरह से इमेज को हम डिजिटली जो है वो अपना यूज़र के सामने रखते हैं। उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द विजुअल इंटरफेस, कि किस तरह से हमें चीज़ें नज़र आती हैं। और उसको समझने के लिए सबसे पहली जो चीज़ जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज़ ह्यूमन विजुअल परसेप्शन, कि इंसान कैसे चीज़ों को सोचता है, इंसान किसी चीज़ को देखने के बाद उसके बारे में क्या परसीव करता है, क्या उसके दिमाग में वो उसके बारे में चीज़ आती है कि वो उसको देखते हुए नेक्स्ट जो है वो एजम्पशन करता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर we will cover that what are the two stages of visual system, कि हमारे पास visual system के कौन से जो basically दो stages हैं उनको हम discuss कर लेंगे। And then we move on to how do luminous and color affect visual perception, and moving on to the next what is the difference between central and peripheral vision. We have two different vision perception, that is one is our central perception and the other one is your peripheral perception or peripheral vision. And moving on to next, that is how do we realize the designs and what should we consider in considering the design, our technical vision, realization, interaction, searching, and the last one is your context of use, in which we consider about that, about information, and the rest is about interaction between transaction or interacting with the other things and interacting with the design, interacting with usability, interacting with your different scenarios. So let's move on to starting from realizing the visual interface. When we are talking about realizing the visual interface, we have different things come to the mind. The first one is about our human visual systems, कि इंसान किस तरह से सोचता है, इंसान अपने दिमाग के अंदर किस तरह से चीज़ों को जो है वो परसीव करता है। लेट्स सपोज मैंने किसी चीज़ को अचानक से देखा और उसके बारे में मेरा पहला ख्याल क्या आया, दैट इज़ ह्यूमन विजुअल सिस्टम्स। देन विजुअल एस्थेटिक्स, विजुअल एस्थेटिक्स क्या है, कि मैं उस चीज़ को देखने के बाद उस चीज़ के बारे में उसकी गहराई में चला जाऊँ, उसके लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करूँ और उसके बारे में लर्निंग करना शुरू कर दूँ। नेक्स्ट वन इज़ योर ग्रुपिंग, ग्रुपिंग क्या है कि मेरे दिमाग के अंदर जो चीज़ें उस चीज़ को देखने के बाद, उस इंटरफेस को देखने के बाद कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में मुख्तलिफ इकट्ठी होगी, उन सब को मैंने सम अप किया एंड देन उसके बाद मैंने परसेप्शन एक बना ली, दैट इज़ ओवर ग्रुपिंग। देन वी हैव लाइन बॉर्डर्स एंड टेबल्स। लाइन बॉर्डर्स एंड टेबल्स क्या होता है, क्योंकि हमारे पास डिजिटली जब भी काम कर रहे होते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, तो हमारे पास एक्सिस काम कर रहे होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। 3D के लिए हम 3 एक्सिस को यूज़ करते हैं और 2D में हम एक्स एंड वाई एक्सिस को कंसिडरेबल बनाते हैं। और नॉर्मली टेबल्स के अंदर भी हमारे पास काम 2 डायमेंशन में हो रहा होता है, दैट इज़ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, बिकॉज टेबल इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो लाइन बॉर्डर्स के अंदर क्या होता है कि हम अपनी जो लाइन्स बना रहे होते हैं, हर एक का कुछ ना कोई मकसद होता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आएगा, वाई एक्सिस के ऊपर क्या आएगा। एंड देन वी हैव टेक्स्ट, इस टेबल के अंदर या तो हमें टेक्स्ट लिखना पड़ेगा या उस लाइन बॉर्डर को कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, या उसके कोई ना कोई हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ होगी जो जिसके लिए हमें टेक्स्ट को यूज़ करना पड़ेगा। द नेक्स्ट वन थिंग इज योर कलर एंड इमेजेस। विजुअलाइजेशन के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ कलर्स, क्योंकि कलर ही इंटरफेस के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को। जिस तरह अगर मैं कोई चीज़ देखूंगा उसके अंदर सबसे पहली चीज़ उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए मेरे पास कलर्स ही होते हैं और इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होती, क्योंकि कलर्स है तो वो चाहे तो आपकी आंख के अंदर एब्जॉर्ब कर ले या आपको जो है वो उस चीज़ से या उस कलर से आपको दूर कर दे। सो कलर्स बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं हमारे पास किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करवाने में। और बेसिकली डिजिटल जब भी हम बात करते हैं तो डिजिटल के अंदर हमारे पास कलर की स्कीमिंग जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, जो कि यूज़र को, क्योंकि हमें यूज़र की अट्रैक्शन चाहिए होती है, यूज़र को हमें अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर, अपने सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर हमें स्टे करवाना होता है, और उस स्टे करवाने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। एंड द लास्ट थिंग इज़ योर फॉर्म्स एंड कंट्रोल्स। फॉर्म्स एंड कंट्रोल्स क्या होते हैं, लेट्स सपोज हमने
यूजर के लिए कोई एक फॉर्म बनाया कि यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा, यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसके ऊपर उसके अंदर भी तो कलर्स यूज होंगे, उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस यूज होंगे, टेक्स्ट यूज होगा, कोई ना कोई बॉर्डर या टेबल बनाए होंगे, तो वो फॉर्म डेफिनेटली तब बनेगा। कंट्रोलिंग क्या होती है? कंट्रोलिंग एक चीज से नेक्स्ट के ऊपर मूव करना या कुछ बटन्स लगाना, जैसे सबमिट का बटन है एट द एंड। सो ये तमाम चीजें क्या है, वो तमाम चीज इंटरेक्टिव होनी चाहिए जो कि आपके इंटरफेस के ऊपर शो होनी है, जिससे यूजर ने जो है ना इंटरेक्ट करना है। क्योंकि यूजर का कंसर्न नहीं है कि बैकएंड पे क्या यूज हुआ है, बैकएंड पे सी लैंग्वेज यूज हो रही है, इधर जावा यूज हो रही है, या आपने किसी और लैंग्वेज को यूज करके आपने काम किया। यूजर का काम आपके फ्रंट एंड से है जो कि इंटरफेस है। यूजर के दरमियान जो चीज मेन इंटरेक्टिव बनाने वाली होती है वो आपका इंटरफेस होता है, और इंटरफेस के अंदर आपका टेक्स्ट, कलर्स और उसके अंदर जो फर्दर चीजें आ जाती हैं वो कंट्रोलिंग वगैरह, फॉर्म्स वगैरह, ये तमाम चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ह्यूमन प्रोसेसर। ह्यूमन प्रोसेसर के अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो दिमाग दिया, दैट इज सेंट्रल रिपोजिटरी। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचता है तो सबसे पहले मैसेज दिमाग तक पहुंचता है। मुझे हाथ पर कोई चीज़ लगती है तो मैसेज दिमाग तक जाता है कि दर्द किस लेवल का है, पाँव पर लगती है तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे पास पेन किस लेवल का है। सो ये क्या होता है कि ये इंसान का प्रोसेसर है जो बिल्ट इन है, जो अल्लाह ताला ने इंसान को फितरती तौर पर दिया है। सो ये क्या है, ये भी हमारे पास ह्यूमन का प्रोसेसर है जो कि करता क्या है, एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी के तौर पर काम कर रहा है। सेंट्रल रिपोजिटरी क्या है, जहाँ से तमाम जो कनेक्शन हैं वो इंटरकनेक्ट हैं। सो इनपुट के अंदर हमारी क्या होती हैं, बेसिकली सेंसेस होती हैं, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स चल रही हैं और इसके अलावा न्यूरॉन्स चल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें क्या है, ये हमारे पास सेंसेस ही तो क्रिएट कर रहे हैं। देन वी हैव अ प्रोसेस, उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास फर्दर जो आ जाती है दैट इज कॉग्निशन। कॉग्निशन इज द कम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, द फर्स्ट वन इज योर नॉलेज, द सेकेंड वन इज अबाउट स्किल एंड द थर्ड वन इज रीजनिंग। जब हम प्रोसेसेस की बात करते हैं, जब हम इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहे होते हैं तो प्रोसेसिंग सेंटर में जो होती है, सेंटर में जो प्रोसेसिंग होती है उसका काम रीजनिंग बेसिकली होता है। किस बेस के ऊपर रीजनिंग करता है, नॉलेज और स्किल की बेस के ऊपर, क्योंकि कुछ ना कुछ उसको नॉलेज बनाएगा, आउटपुट होती नॉलेजेबल है। इनपुट क्या होती है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब उसके अंदर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो इट्स मीन वो नॉलेज नहीं है। उसको नॉलेजेबल बनाने के लिए या उसको इंफॉर्मेशन बनाने के लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा, दैट इज प्रोसेसिंग। वी हैव वन थिंग दैट इज प्रोसेसिंग। सो प्रोसेसिंग करवा कर हम उसको करते क्या, प्रोसेसिंग के लिए लाजमी एक जो चीज होती है दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग होती है तो हम मूव कर जाते हैं आगे नॉलेज के लिए, और नॉलेज के लिए कोई ना कोई स्किल हम यूज करते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर के पास प्रोसेसिंग होने के लिए जाती है, कंप्यूटर मेमोरीज से रीजनिंग करता है, प्रोसेसर से रीजनिंग करता है, उससे कोई नॉलेज बनाता है, और वो जो नॉलेज बनाता है वो वाया किसी स्किल के बनाता है। स्किल के किस तरह से, कि उसने सीपीयू के पास पहले जाना है, सीपीयू से एएलयू के पास, एएलयू से एयू एलयू एंड देन आपके कंट्रोल यूनिट के पास जाना है। तो मींस एक स्किल है ना, एक उसकी हायरार्की बनी हुई है जिसको फॉलो करते हुए वो जो है नॉलेज बना रहा है। सो मींस आपका प्रोसेस जो है पूरा डिफाइंड होता है। देन वी हैव स्टोरेज। स्टोरेज आप जब हम कंप्यूटर की डेफिनेशन ही पढ़ते हैं तो कंप्यूटर की डेफिनेशन कहती क्या, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट। मीन पहली चीज क्या है कि हमारे पास इनपुट आएगी जी, ठीक है। दूसरी चीज क्या कहता है, उस इनपुट को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस दैट इनपुट, ठीक है, एंड देन प्रोड्यूसेस आउटपुट एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। मीन्स चार चीजें हमारे पास उसके अंदर मेन जो ह्यूमन के जो हमारे पास कंप्यूटर की डेफिनेशन के अंदर आते हैं वही ह्यूमन प्रोसेसर के अंदर भी आते हैं, कि इनपुट होगी, उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसकी आउटपुट आएगी, एंड द लास्ट वन इज योर स्टोरेज, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है। जैसे मैंने किसी काम को किया, उस काम को करने के लिए मैंने कोई एक्शन परफॉर्म किया, मुझे यहाँ से सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, तो मैंने इनपुट किया कि मैंने घर से चलना है, देन उसके लिए मैं कोई ना कोई सफर तय करूंगा, प्रोसेसिंग होगी। आउटपुट क्या है कि मैं एट द एंड उस मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। स्टोरेज क्या है कि मुझे याद हो गया कि मैंने कौन से रूट को फॉलो किया। सो ये चार फेजेस हमारे रियल लाइफ में भी चल रहे हैं जो कि ह्यूमन प्रोसेसर के साथ भी लिंक्ड है। सेंसेस क्या कहती हैं, ह्यूमन की सेंसेस के अंदर सबसे पहली चीज आ जाती है दैट इज विजन, कि वो देखता क्या है। अल्लाह ताला ने इंसान को ये जो देखने की कुव्वत दी है, सुनने की कुव्वत दी है, स्मेलिंग की दी है, टेस्ट की दी है, टच की दी है, ये तमाम चीज़ें सेंसेस कहलाती हैं हमारे पास।
सो सेंसेस के अंदर ह्यूमन की परसेप्शन कहाँ से शुरू होती है? दैट सबसे पहले विजन से, कि वो देखता किस तरह से चीज़ों को, बच्चा